तो एग्जाम में बचे भैया जी केवल और केवल 7 दिन, तो मैं आपके लिए लेके आ चुका हूं एक जबरदस्त वीडियो जिसके अंदर मैं आपको बताने वाला हूं कि कौन से मिस्टेक्स को आपको अवॉइड करना है इन 7 डेज के अंतर्गत। तो बेटा देखिए, ये जो 7 दिन है ना, बहुत ज्यादा क्रूशियल है। इसके अंदर आपको समझ होना चाहिए कि आपको क्या पढ़ना है, आपको क्या नहीं पढ़ना है, कितना पढ़ना है, कौन सी मिस्टेक्स को अवॉइड करना है, ये सारी चीजों के बारे में आपको जानकारी होना चाहिए। तो आ जाइए फटाफट वीडियो की शुरुआत करते हैं। लेकिन उससे पहले अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट इसको सब्सक्राइब कर दीजिए और अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को जरूर से शेयर कर दीजिएगा जिनका फाउंडेशन का एग्जाम होने वाला है। राइट, सबसे पहली बात देखो, 100% रिविजन। मैं आपको एक बात बता दूं, आप मत भागिए 100% रिविजन के पीछे। देखो जैसे अगर मैं बात करूं LLP और IRF, बेटा कंपनी इसके अंदर अपने लॉ के अंदर आप इसको लीव कर सकते हो कि LLP का एक क्वेश्चन आता है, इसका एक क्वेश्चन आता है। अभी आपने अगर आपने पहले पढ़ के रखा है बहुत अच्छी बात है, अभी रिविजन मत करो। अभी ऐसे छोटे टॉपिक्स को रिवाइज करके जबरदस्ती आप खुद के ऊपर प्रेशर मत बनाइए बेटा, है ना। तो आपने मैक्सिमम जितने भी रेलेवेंट चीज है उसको रिवाइज करने का सोचना है, ठीक है। दूसरा, क्वेश्चन एंड आंसर्स की प्रैक्टिस नहीं करना। देखो अभी भी समय है, मैं बता रहा हूं आपको, ये मैं आपको ऐसे 3 महीने से बताते हुए चल रहा हूं, बट अगर आपने अभी तक क्वेश्चन एंड आंसर्स की राइटिंग में प्रैक्टिस नहीं की है तो भी इन 7 दिनों के अंदर कम से कम लॉ के 3 क्वेश्चंस डेली और अकाउंट्स के 3 क्वेश्चन डेली आप प्लीज प्रैक्टिस करिए। आपको पता होना चाहिए कि कैसे आंसर को लिखना होता है, कैसे आंसर को प्रेजेंट करना होता है, लॉ के आंसर्स को कैसे प्रेजेंट करना है, इसके बारे में मैंने वीडियोस बनाए हो पूरे। जो इस बार की RTP है बेटा, वो हमने राइटिंग प्रैक्टिस की है, तो आप जरूर से इसको चेक कर सकते हैं क्या। यस सर, है ना, यस। इसके अलावा तीसरा पॉइंट देखिए, ट्राई टू टेक गुड अमाउंट ऑफ स्लीप। देखो यार, अगर आपके बॉडी को रिक्वायरमेंट है 6 घंटे की स्लीप, 7 घंटे के नींद, तो प्लीज 6 से 7 घंटे के सोइए। 5 घंटे में सफिशियंट हो जाता है, 5 घंटे सोइए। 10-10 घंटे पढ़े लाश की तरह ऐसा नहीं करना है बेटा, आपको पहले ही बता रहा हूँ। 7 घंटा इनफ से इनफ है, लेकिन गुड अमाउंट ऑफ स्लीप लीजिए। ऐसा नहीं 2-4 घंटे में सर्वाइव करें, ना जी ना बेटा। क्या होगा अगर मान लो गलती से भी अपन लोग बीमार पड़ गए ना, तो अपनी इतने दिन की जो मेहनत है वो पूरी की पूरी मेहनत वेस्ट हो जाएंगी, तो है ना। तो हमें गुड अमाउंट ऑफ रेस्ट लेना है ताकि हम अगले दिन अच्छी तरीके से फंक्शन कर सके। आप ऐसा भी कर सकते हो, आपको 6 घंटे की नींद चाहिए तो 5 घंटे रात में सो गए, 1 घंटे दोपहर में हल्की सी नींद ले लिए, थोड़ी सी झपकी वगैरह ले लिए, है ना। वैसे 1 घंटे की झपकी नहीं होती है वो, लेकिन मान लो अगर आपको ऐसा लगा कि आपने 6 घंटे सो गए, दोपहर में हल्की फुल्की नींद आ रही है, तो 15-20 मिनट का एक नैप ले लिए, उससे काफी फ्रेश फील होता है। ऐसा मैं करता था अपने जब CA फाइनल की पढ़ाई थी, तो मैं ऐसा डेफिनेटली करता था, है ना। देखो जो भी RTP MTP इस बार हुए है बेटा, सारे क्वेश्चंस को एक बार रीड करके आपने जाना ही जाना है, है ना। हर एक RTP MTP को क्वेश्चंस को प्लीज रीड कीजिएगा, ये बहुत ज्यादा जरूरी है RTP MTP को करके जाना, है ना। देखो मैंने वैसे तो डिस्कशन वीडियोस MTP 1 और MTP 2 का ले चुका हूँ, तो आप चेक कर सकते हैं। 1-1 घंटे के अंदर लाइक लिटरली मैंने लॉ के MTP डिस्कस कर लिया हूँ, तो आप क्या कर सकते हैं MTP को जरूर से चेक कर सकते हैं। और एक बात बता दूं, बिल्कुल भी डीमोटिवेट मत फील होजिए। देखो क्या होता है एग्जाम के, हमारी जो एग्जाम है ना बेटा यार, इसके अंदर डीमोटिवेशन आना बहुत ही नॉर्मल है। तो आपको बस ये ध्यान रखना है कि आप डीमोटिवेटेड फील ना करो। क्या हो जाता है कभी कभार अपना डर है ना बहुत ज्यादा ओवरकम कर जाता है चीजों को। मान लो अपने को अपन रिजल्ट के बारे में सोच सोच के बहुत ज्यादा डरते रहते हैं, मैं पास नहीं हुआ तो क्या, लोग क्या सोचेंगे, वो क्या सोचेंगे, मेरे पेरेंट्स क्या बोलेंगे। अरे आपको कुछ सोचना नहीं है, अभी आपका फोकस होना चाहिए कि कैसे अगले इन दिनों के अंदर मैं फोकस करूं अपने रिजल्ट के ऊपर, कैसे मैं ज्यादा से ज्यादा चीजों को रिवाइज करूं, ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन को देख के जाऊं। अभी आपका फोकस इसके ऊपर रखिए, ज्यादा रिजल्ट के बारे में मत सोचिए। अपना ध्यान आप केंद्रित करो केवल और केवल प्रोसेस के ऊपर कि किस तरीके से मैं ज्यादा रिवीजन कर सकता हूँ, कितने ज्यादा क्वेश्चन में देख सकता हूँ, कैसे मैं प्रोडक्टिविटी को बढ़ा सकता हूँ। प्लीज अपने जो ईटिंग हैबिट्स है ना इसको कंट्रोल रखिएगा यार। अगर हम लोग ज्यादा खाएंगे तो ज्यादा नींद आएंगी, ज्यादा मीठा खाएंगे ज्यादा नींद आएंगी, ज्यादा राइस खाएंगे ज्यादा नींद आएंगी। तो आप क्या कर सकते हो, अपने डाइट को छोटे छोटे प्रोपोर्शन में इंटरवल्स में बांट सकते हो। मान लो एक साथ 2 रोटी एक साथ 3 रोटी खाने के बजाय 1 रोटी पहले खा लो, फिर मान लो जब दोपहर में भूख लगी फिर से आपने 1 रोटी खा ली, तो इससे आपको नींद नहीं आएंगी। खाली पेट कभी नींद नहीं आती बेटा इंसान को, है ना। तो इसलिए आप क्या कर सकते हो, उस तरीके से नींद को कंट्रोल कर सकते हैं क्या, बिल्कुल बिल्कुल कर सकते हैं, ठीक है। तो अपना जो फोकस है अगले 7 दिनों के अंदर बहुत ज्यादा रखिए, मैक्सिमम आउटपुट अपने को हासिल करना है बेटा। हाइड्रेटेड आपको रहना है, डिहाइड्रेट मत होइएगा, बहुत ज्यादा गर्मी है, बहुत ज्यादा ह्यूज समर,
बहुत ज्यादा गर्मी है, तो ऐसे केस के अंदर प्लीज खुद को बचा के रखें हीट से, कहीं बार बार मत निकलिए, बाहर का कुछ खाइए पिए ना बिल्कुल भी ना कीजिए ना, क्योंकि अपने को बहुत अच्छे से बॉडी को मेंटेन करना है और अच्छे से पेपर देना है। जब तक पेपर नहीं हो जाते तब तक कोई भी किसी भी प्रकार की मस्ती मत कीजिए। राइट, थैंक यू सो मच वंस अगेन एवरीवन, बाय बाय एवरीवन, टेक केयर। अगर वीडियो पसंद आया तो चैनल को सब्सक्राइब करना, शेयर करना अपने दोस्तों के साथ और वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। थैंक यू सो मच वंस अगेन एवरीवन, बाय बाय, टेक केयर। अगर आप हमारे टेलीग्राम चैनल पर अब तक नहीं जुड़े हो तो CA इंद्रेश गांधी इस टेलीग्राम चैनल पर जुड़ जाइए, सर्च कीजिएगा CA इंद्रेश गांधी, इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में लिंक देके रखा हूं, वहां से जुड़ जाइए। मैंने लॉ के टेस्ट पेपर अपलोड किया हो बेटा, 50 मार्क्स के दो टेस्ट पेपर मेरे टेलीग्राम चैनल के ऊपर है, बहुत सारे नोट्स मैं आप लोगों के साथ शेयर करते रहता हूं, तो आप जरूर से मेरे टेलीग्राम चैनल पर जुड़ जाइए। टिल देन थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर एंड विश यू ऑल अ वेरी ऑल द बेस्ट।